अस्सलाम वालेकुम तो फ्रेंड्स आप सब कैसे हैं जी उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे तो जी आज मैंने सोचा कि चले मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ या मेरी वो वाली बहनें जिनके पास घर में टाइम जो है वो कम होता है और वो चिकन की रेसिपी जो है ना वो बनाना चाहती हैं तो आज के व्लाग में जो है ना मैं बहुत ही आसानी के साथ जो है ना इस रेसिपी को बनाऊंगी तो वो कैसे बनाऊंगी तो बस वीडियो को देखना है आपने लास्ट तक और इस व्लॉग में आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा ठीक है जी आज हम डीप क्लीनिंग भी करने जा रहे हैं और साथ साथ खाना भी जो है ना वो भी रेडी करना है ठीक है जी दोपहर के खाने में मैंने चिकन बनाई है बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है अच्छा तकरीबन चिकन जो है ना वो मैंने वन के जी ली है ठीक है जी अच्छा घर में जो है ना कुछ सिस्टर होती हैं जो ब्राउन ओनियन करके रखती हैं ठीक है ठीके? तो मेरे पास घर में अभी फ़िलहाल नहीं था तो मैंने क्या किया था ब्राउन ओनियन करके जो है ना मैंने उसे पीस लिया था सबसे पहले जी आपने दो ओनियन ले लेने हैं और उसे ब्राउन करना है उसके बाद इसे आपने ब्लेंड कर लेना है ठीक है तो अगर आपके पास घर में मौजूद है तो वो डायरेक्ट आपने इसी तरीके से डाल देना है इसके बाद मैं टमाटर ले लूँगी इसे मैंने चॉप कर लिया था दो टमाटर लेने हैं मीडियम साइज़ के इसके बाद आपने लेना है लहसन का पेस्ट लेना है तकरीबन टू टेबल स्पून और इसके बाद ये अलग से एक हमने एक यानी कि बॉल ले लेना है इसमें हमने तकरीबन दही डालनी है फोर टेबल स्पून आपने दही लेनी है इसके बाद जी हम इसमें ऐड करेंगे मसाले ठीक है बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और सब चीज़ें डाल के ही आपने पकाना होता है इसमें मैंने टू टेबलस्पून ऐड किया है रेड चिली इसके बाद वन टी स्पून सॉल्ट ऐड किया मैंने इसके बाद जी मैं इसमें ऐड करूँगी कुरेंडर पाउडर हाफ टी स्पून इसके बाद जी हम लेंगे हल्दी हाफ़ टी स्पून इसके बाद लेंगे हम ज़ीरा वन टी स्पून हाथों के साथ मसल के डाला करें इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है अच्छा कुछ के घरों में ना रेड चिली जो होती है ना वो तेज़ होती है और कुछ के घर में जो है ना वो रेड चिली इतनी स्पाइसी नहीं होती ठीक है इस चीज़ का अपने ख्याल से जो है ना डालना है यानी कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल लें ठीक है जी अब आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है अब हम इसे डाल देंगे यानी कि जो हमने टमाटर और लहसुन डाल के रखा हुआ ना इसी में हमने इस मिक्सचर को भी डाल देना है ठीक है जी तो बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है इतने में आप घर का काम खत्म करेंगे बल्कि उससे पहले ही यह रेसिपी रेडी हो जाएगी तो आपने इस तरीके से डाल देना है अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी पानी मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऐड करूँगी पहले मैं लौंग और काली मिर्ची डाल डाल देती हूँ इसमें तकरीबन पाँच पाँच छः छः आपने ले लेनी है दोनों चीज़ें ठीक है जी अब पानी मैं इसमें तकरीबन मैं हाफ़ गिलास डाल दूँगी ताकि ये चिकन जो है अच्छे से गल जाए अब मैं इसे मिक्स कर कर दूँगी अच्छे तरीके के साथ और मैं इसे चूल्हे पर रख दूँगी और काम यकीन करें जब आप करना शुरू हो जाए ना तो झटपट से काम हो जाते हैं अगर आप सुस्ती करते हैं ना काम करने में कि भाई खाना भी बनाना है घर के काम भी करने हैं तो क्या क्या करें तो यकीन करें जिस दिन घर के ज़्यादा काम हो ना उस दिन आप ये वाली रेसिपी बना लें मैं इंशाल्लाह आपको अपने व्लॉग में और भी बहुत सारी रेसिपी बताऊंगी जो बहुत ही आसान होंगी इसके बाद मैंने हाफ कप इसमें ऑयल भी डाल दिया है जिसमें मैंने ऑनियन ब्राउन किए थे ना तो उसमें ही यानी कि मैंने हाफ जो है ना वो कप डाल दिया है ठीक है जी और बड़ी इलायची दो ये भी मैंने डाल दी है तो इससे बहुत अच्छी और मजे की खुशबू आती है अब मैं इसे पकने के लिए जी छोड़ दूंगी दस मिनट के बाद आपने इसे दोबारा देख लेना है कि इसका पानी कितना जो है ना वो खुश्क हो चुका है ठीक है इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है उसके बाद जी आपने पाँच मिनट मज़ीद देने हैं आप देखें जी इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है बस अब आपने इसे पाँच मिनट भूनना है बस और आपने कोई भी इसमें चीज़ नहीं ऐड करनी बस हरा धनिया और अदरक और जो हरी मिर्चें होती हैं बस वही आपने इसमें डालनी होती हैं तो ये देखें जी झटपट से जो है ना साल रेडी हो गया है अब आप घर के काम आसानी के साथ करें और ये भी टेंशन नहीं है कि आपको जो है ना वो खाना बनाना है तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है जब ये आप ट्राई कर लेंगे ना तो बस फिर आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको जो मैंने रेसिपी बताई है तो ये कैसी बनी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी मेरे बच्चों ने इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया तो मैंने कहा चले ये मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये रेसिपी कि ये रेसिपी वाकई में बहुत ही मज़े की है जब आप बनाएंगे इन शाह तला बहुत ही कम वक्त में बनने वाली ये रेसिपी आपके घर वालों को भी पसंद आएगी ठीक है जी तो बस ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा खाना जी हमारा अलहमदिला रेडी हो चुका था अब जी मुझे डीप क्लिनिंग करनी थी दरअसल जिंक बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं साफ़ करूँगी तो मैंने कहा चले आज ये भी कर लेते हैं अच्छा इसके लिए मुझे एक सोल्यूशन बनाना था उसके लिए मैंने नमक लिया है तकरीबन तो वन टेबल स्पून भर के नमक लिया है ठीक है इसके बाद टूथपेस्ट ऐड किया तकरीबन मैंने दो से तीन टेबल स्पून आपने टूथपेस्ट ले लेनी है अच्छा ये बहुत ही ज़बरदस्ती जो है ना ये ट्रिक है या आप हैक कह सकते हो तो ये ज़रूर किया करें तो यकीन करें कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना ये इतनी अमेजिंग होती हैं कि आपको आपके घर को आपको नहीं आपके घर को जो है ना साफ़ सुथरा बना देती हैं और यकीन करें आंखें खुली रह गई मेरी तो ये वाला जब मैंने यूज़ किया कि वाकई में इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे अच्छा ये मैंने मिक्स कर दिया है इसके बाद जो मैं इसमें चीज़ अगली ऐड करने वाली हूँ वो कौन सी चीज़ है जी अगली चीज़ जी मैं इसमें ऐड करूँगी लिक्विड ठीक है बर्तन धोने का लिक्विड भी आप ले सकते हो और ये लेमन का था अगर ये लिक्विड नहीं भी है आपके पास तो थोड़ा सा सरफ़ भी आप इसमें ऐड कर सकते हो उसके बाद आप लेमन भी इसमें ऐड कर सकते हो ठीक है अगर आपके पास ये लिक्विड नहीं है मौजूद तो ये जी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद जी अब इसके साथ जो है ना आप अपने वाशरूम भी धो सकते हो इसके अलावा आप घर किचन भी धो सकते हो यकीन करें कितने भी गंदे मैले कुचेले होंगे ना इंशाल्लाह ताला वो सारे निशान दाग धब्बे दूर हो जाएंगे बहुत ही अच्छा ये मुझे ना लिक्विड लगा है ठीक है ये ये मिक्सचर जो भी मैंने बनाया है इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये थोड़ा सा जो है ना वो पतला हो जाए और यकीन करें थोड़ा सा ही डालते हैं तो ये है कि बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं ठीक है आपके सामने भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये किस टाइप का होगा और मैंने इससे वॉश किया तो इसके क्या रिज़ल्ट हैं ठीक है क्योंकि हम जाहिर है रोज़मर्रा में बर्तन वगैरह धोते हैं और जिंक वगैरह जो है डेली डेली तो नहीं आप माँजते होंगे ना लेकिन कुछ सिस्टर हैं जो डेली डेली धोती भी हैं लेकिन मैंने काफ़ी दिन से साफ़ नहीं किया था इनके अच्छे से मांझा नहीं था तो मैंने कहा चले आज हम इसको भी साफ़ कर लेते हैं और आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं अच्छा ये मेरे पास घर में जूना था फालतू एक्स्ट्रा पड़ा होता है जिसके यानी कि ऐसे मैं जिंक वगैरह साफ़ कर लेती हूँ तो उसके लिए जी आपने इस तरीके से ले लेना है और ये देखें आप कितनी ज़्यादा झाग है झाग देखें बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि हमने इसमें टूथ पेस्ट भी ऐड की है उसमें भी झाग बनती है और जो हमने लिक्विड डाला है तो उससे तो बनती ही है ठीक है जी और इससे दीवारें वगैरह धोएं यकीन करें घर की दीवारें इससे बहुत ही अच्छी साफ़ हो जाएंगी और अलमारियाँ हैं अलमारियाँ साफ़ करें आप इसके साथ भी चमक उठेंगी, ताला। तो बेसन और उसके बाद आप जो है ना जो फ्लैश होते हैं उसको भी इसके साथ ही वाच किया करें इससे भी बहुत अच्छे डिजाइन मिलते हैं ठीक है अभी मैंने आज आप अपने ब्लॉग में आपको बता दिया है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना आप इसके साथ साफ कर सकते हो उसके अलावा घर घर में जो फर्श होता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है ठीक है बाद वक्त तो होता है कि साइडों पे जो किनारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं वो साफ़ नहीं हो रहे होते तो इसका यूज़ करें इन वो किनारे जितने भी गंदे होंगे मैले कुचैले होंगे वो भी साफ़ हो जाएंगे ये देखें जी कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है ठीक है जी बस ये डेली बेसिक पर आप यूज़ करें और जिंक भी साफ़ रहेगा और इन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा अब मैं आपको जो है ना बेसन यानि कि जो वाशरूम में लगा होता है तो वो भी मैं आपको वाश करके दिखाती हूँ कि इससे कितना अच्छे रिजल्ट है चमक गया था एकदम से ऐसे था जैसे नया लगाओ यकीन करें और यही लिक्विड मैं यूज़ करूँगी इसी के साथ और यकीन करें वाशरूम इतना अच्छा हो जाता है या साफ़ सुथरा हो जाता है घर में अगर चीज़ें अच्छी हो साफ़ सुथरी हो तो ख़ुद का दिल बहुत खुश होता है फिर ये नहीं होता घर में मेहमान आने क्योंकि आपको पता है मेहमान तो फिर अचानक से ही आ जाते हैं घर में ये तो नहीं है ना कि वो कहेंगे भी आपका वेट करेंगे कि आप घर की सफाई करेंगे तो वो आएंगे इसलिए पहले से अपने घर को साफ सुथरा करके रखें सफाई तो वैसे ही ईमान है ना तो इसलिए अपने घर को साफ़ सुथरा बना के रखें ना और इससे मैं वाशरूम की जो है ना वो दीवारें वगैरह भी साफ करती हूँ अच्छे से ताकि दीवारें भी साथ साथ चमक जाए ना तो इस तरीके से मैं जो है इसकी जो है ये टूटी कहने <laughs> कहने वाली थी तो क्योंकि हम पंजाबी में इसे टूटी बोलते हैं ना तो अच्छे तरीके से नल वगैरह जो है इसका साफ़ कर लेना आपने देखें जी कि, किस तरीके से अच्छी तरीके से ये चमक चुके हैं आप खुद देखें ठीक है जब आप वो यूज़ करेंगे इन शी आपको खुद ही इसके रिज़ल्ट जो है ना वो पता चल जाएंगे ठीक है आज के व्लॉग में इन शाला आपको बहुत ही अच्छी जो है ना वो रेसिपी भी मिल गई है और डीप क्लीनिंग भी आपको टिप मिल गई है इनशाला आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आज का व्लॉग व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और ज़रूर अपना प्यारा प्यारा ऐसा कमेंट दीजिएगा ठीक है जी अब मुझे जा दें तो आज याद रखना ओके अल्लाह हाफिज़